दुनिया जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। वैसे अमेरिका भारत को डरा रहा था, लेकिन रूस ने अमेरिका की अब धज्जियां उड़ा दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अमेरिका पर अब यूरोपीय देश भी टूट पड़े हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान पर अमेरिका के खिलाफ अब यूरोपीय देशों ने 27 देशों ने गजब का ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया है। और ऐसा एक्शन जिस एक्शन से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान मामले में भारत के साथ यूरोप आ गया है अमेरिका के खिलाफ। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस को हराने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक समय था जी जान कोशिश की। अफगानिस्तान में खनिज पदार्थों का पूरा खजाना है और इस पर कब्जा जमाने के लिए पहले रूस ही आया था। रूस को यहां से हटाने के लिए और इस खनिज संपदा पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने यहाँ बड़ा दाव खेला था, और अमेरिका ने दाव खेलते हुए पाकिस्तान की मदद ली। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में एक तो तालिबान ग्रुप को तैयार किया, जिस तालिबान ग्रुप ने आखिरकार रूसी सेना और रूस को भगा दिया। यहाँ तक मामला ठीक था। अब अमेरिका चाह रहा था कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा जमाएं, पर यही पाकिस्तान और तालिबान अब खेल गए अमेरिका के साथ। तब अमेरिका ने अफगान सरकार और अफगान सरकार की सेना को ट्रेनिंग देने शुरू कर दिए। न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि अच्छे अच्छे बड़े हथियार भी देने शुरू कर दिए, अपने हथियारों का परिचय भी देना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की सेना अमेरिकी हथियारों को चलाने लगी, बहुत सारे अमेरिकी हथियारों का उन्हें आइडिया हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो कुल 80 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़कर निकला। हर तरह के हथियार इसमें शामिल थे, यानी कि अफगानिस्तान की सेना को एक अच्छा अनुभव हो गया अमेरिकन हेलीकॉप्टर से लेकर अमेरिका के कई हथियारों का। और यहीं पर बाजी मार ले गया रूस। दरअसल अमेरिका से ट्रेनिंग लिए हुए ये अफगान लड़ाके अब रूस की तरफ से उतर रहे है युद्ध में, यानी इन्हें अमेरिकी हथियारों का ठीक ठाक ज्ञान है। यूक्रेन को लगातार अमेरिका मदद कर रहा है और अब अमेरिका द्वारा ट्रेनिंग लिए गए अफगान सेना ये पहुंच रहे हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस की तरफ से। वैसे आपको बता दें, ये वो सैनिक है जिन्हें अमेरिका ने ये कहा था कि हम आपको अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में जगह देंगे, रहने देंगे। लेकिन हुआ ये कि जब अफरा तफरी मची और तालिबान कब्जा करने लगा तो ये भाग कर पहुंच गए ईरान, बहुत संख्या में भाग कर पहुंच गए तजिकिस्तान। अब इन्हें भी रोजगार चाहिए, ट्रेनिंग तो इनके पास है ही, और अब ये पहुंच रहे हैं रूस की तरफ से युद्ध में। हालांकि ये हालात अमेरिका के लिए बड़े अजीब हैं। ट्रेनिंग दी, मेहनत करी अमेरिका ने, और अब यूक्रेन के खिलाफ अमेरिका के इन ट्रेंड सोल्जर्स का इस्तेमाल रूस करेगा। खैर, अमेरिका की जो ये दोगली नीति है ना, हर तरफ अपना फायदा देखना, वो इसी तरीके से अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। खैर, जहां एक तरफ रूस ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं भारत के लिए ये वक्त सचमुच में मुस्कुराने का है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। अभी हमने हाल ही में देखा पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए अमेरिका पुरानी रणनीतियों पर चल पड़ा है। अमेरिका ने लाख कोशिश की कि भारत रूस के खिलाफ बोले, भारत ने नहीं बोला, और आखिरकार भारत के नहीं बोलने के बाद अमेरिका पुरानी चालों को चलना शुरू कर दिया। वैसे बाइडेन से उम्मीद काफी पहले से थी, उन्होंने फिर भी काफी वक्त लगा दिया। एक बार को लगा जैसे बाइडेन बदल गए हैं, वरना आप याद करेंगे जब बाइडेन सत्ता पर बैठ रहे थे तब से ही यही बात हो रही थी कि बाइडेन प्रो पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान की तरफ से फैसले लेंगे, भारत की तरफ से फैसले नहीं लेंगे। बाइडेन को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, ऐसी वाली दोस्ती थी। कहा तो जाता है कि बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जरदारी भुट्टो को बुलाया था, मतलब बहुत पुराना याराना है।
और इसका असर भी हमने देखा। पर अब पाकिस्तान, जिसके अंदर पहले से उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल तो बहुत ज्यादा मची हुई है। भुट्टो की लालच में पाकिस्तान से टूटकर बना था बांग्लादेश, और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े होंगे। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के इस तीन टुकड़े होने में इमरान खान बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका में है, और इसीलिए बहुत जगहों पर जो NRI भारतीय हैं, जो विदेशों में भारतीय हैं, कथित तौर पर वो फंड भेज रहे हैं इमरान खान को, ताकि इमरान खान इस लड़ाई को आगे बढ़ा सके। बात यह है कि इमरान खान पहले नेता हैं जो न सिर्फ सेना की बुराई कर रहे हैं बल्कि सेना के खिलाफ उतर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सेना डरी हुई है इमरान खान से। अगर डरी नहीं रहती तो जो ISI कभी मीडिया के सामने नहीं आता है, वो ISI मीडिया के सामने आया, और मीडिया के सामने आकर उसने बयान दिया। मतलब सेना पर पूरी तरीके से हावी हो रहा है इमरान खान का डर। और असर अब ये है कि इमरान खान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में वो होगा जो अब तक भारत नहीं कर सका है, और भारत जो नहीं कर सका है वो इमरान खान करेगा, उसे तीन टुकड़ों में बांटने का काम जो होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कई विदेशों में बसे भारतीय इमरान खान को पैसे भी दे रहे हैं, वैसे भी पार्टी फंड जुटा रही है और फंड में मदद दी जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरा है 27 देशों का। अमेरिका ने भले पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, लेकिन यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान से दोस्ती नहीं की है। इस वक्त आर्थिक संकट किस तरीके का है पाकिस्तान में, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान को काफी मदद दिलवाई अमेरिका ने, लेकिन इन मदद के ऊपर अरबों डॉलर का नुकसान करा दिया है यूरोप ने। और न सिर्फ नुकसान कराया है बल्कि आगे के लिए भी पूरा रास्ता बंद कर दिया है। आपको बता दें, 2013 और 2021, 2013 में यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट करता था करीब 3.56 बिलियन यूरो का माल पाकिस्तान, वहीं ठीक उसका डबल हो गया 2021 में 6.64 बिलियन का। सिर्फ एक सेक्टर टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके के कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर डबल फायदा होता है पाकिस्तान को जब वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि उसके पास है GSP+ का स्टेटस, एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही मान लीजिए, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक, जिसमें एक बड़ी छूट मिलती है पाकिस्तान को। हर साल बिलियंस डॉलर पाकिस्तान इससे कमाता है। लेकिन अब इन्होंने शर्त रख दी है, और वो शर्त इतनी कड़ी है ना कि पाकिस्तान मान ही नहीं पाएगा। शर्त ये है कि GSP+ स्टेटस में अगर बने रहना है तो मानव अधिकार मामले में तुम्हें ठीक रहना होगा, इसमें दोषी नहीं होना होगा। लेकिन आए दिन हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मांतरण और उनके साथ गलत व्यवहार पाकिस्तान में होता रहता है। उनकी भी छोड़िए, बलूच विद्रोहियों के साथ या फिर POK के निवासियों के साथ भी पाकिस्तान दुर्व्यवहार करता रहता है। ऐसे में अब पूरे चांसेस बन गए हैं कि GSP+ स्टेटस से हटेगा पाकिस्तान। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को हटा देना चाहिए इस स्टेटस से? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।